सो हेलो गाइज, कैसे आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं जूनियो के नए पेमेंट रिंग के बारे में। एक दो दिन पहले ही जूनियो लॉन्च किया अपना पेमेंट रिंग, जिससे दोस्तों आप NFC के थ्रू मतलब कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। RFID होता है ना दोस्तों, जो कि कार्ड वगैरह में होता है। और क्या दोस्तों इसका फीचर्स होने वाला है, क्या डिफरेंट है ये बाकी रिंग्स से? लाइक बहुत सारा रिंग्स होता है और मेड फ्रॉम चाइना रिंग्स भी बहुत सारा होता है दोस्तों, तो उनसे क्या अलग है दोस्तों, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम फोन के स्क्रीन पर देखते हैं क्या अलग है जूनियो के पेमेंट रिंग में, जो कि बाकी पेमेंट रिंग्स में नहीं है। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने जूनियो ऐप में। दोस्तों चलते हैं यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंट्रोड्यूसिंग पेमेंट रिंग, जो कि है रिंग पे की तरफ से। रिंग पे, रुपए ऑन द गो और ये जूनियो तीनों ने मिल के बनाया। इसमें ट्रांसकॉर्प का ब्रांडिंग भी रहेगा, ट्रांसकॉर्प का पेमेंट पार्टनर होगा। ऑर्डर नाम पे क्लिक करते हैं। सो गाइस, हम करते हैं प्रोसीड। और ये दोस्तों कुछ इमेजेस है जूनियो का जो है रिंग, उसका कुछ इमेजेस है। ये सब काफी अच्छा लगे देखने में लग रहा है, पर दोस्तों ये सब सिर्फ अट्रैक्शन। यहाँ देख सकते हैं आप प्राइस कितना ज्यादा है, ये 99 रुपए इसका प्राइस, जो की 1000 रुपए टोटल है, मतलब 1000 रुपए प्राइस है। प्लस यहाँ देख सकते हैं 5000 रुपए इसका दिखा हुआ प्राइस, जो की 80% ऑफ दिखा रहा है। दोस्तों आपको वाकई में लगता है कि ये इतना प्राइस जस्टिफाई करता है? तो ये काफी ज्यादा महंगा है। और ये सब कुछ इमेजेस है इसका, लाइक ये सब काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और क्योंकि दोस्तों मेटल में NFC लगाना पॉसिबल शायद नहीं है, जहां तक मुझे पता है मेटल वाला में नहीं लगेगा शायद, इसलिए मुझे लगता नहीं ये मेटल का होगा, ये प्लास्टिक का ही होगा। और बाकी सर यहाँ कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये प्लास्टिक है या मेटल का है। देखने में ये ब्लैक वाला तो मेटल लग रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है प्लास्टिक ही होगा। और ये व्हाइट वाला तो 100% प्लास्टिक ही है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे दो कलर अवेलेबल है, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट, दोनों में से कोई भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स है, लाइक ये सब कुछ साइज आपको अवेलेबल है। और यहाँ दोस्तों चार साइज अवेलेबल है, एक स्मॉल, मीडियम, लार्ज और ये XL। दोस्तों स्मॉल है 45.9 mm, जिनका डायमीटर है अंगुली का उनके लिए है। ये मीडियम 47.1 डायमीटर वालों के लिए है अंगुली का। ये लार्ज है 48.5 वालों के लिए। और XL जो है वो 50 mm डायमीटर जिनका है अंगुली का उनके लिए है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये दोस्तों इंग्लैंड में, मतलब इसका जो क्वालिटी टेस्ट हुआ इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ है। और ये आप अपने जो भी जहाँ भी POS मशीन अवेलेबल होगा, लाइक ये सब डोमिनोज, बिकनेर वाला, McDonald's, ये सब दोस्तों आप यूज कर सकते हैं इसे। तो बाकी दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि जितना भी कैशबैक ऑफर्स आता है जूनियो में, जो कि होता है कार्ड के लिए, वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन दोस्तों सब कुछ सही है, बस इसका दिक्कत ये है कि इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा। दोस्तों इसके अल्टरनेट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक अभी ओमनी कार्ड का किचन अवेलेबल है, जो कि उतना प्राइस नहीं है। प्लस मूविन किचन अवेलेबल है, दोनों तो काफी अच्छा है और काफी अच्छे से पेमेंट भी करता है। दोस्तों मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफी अच्छे से पेमेंट करता है। और दोस्तों ओमनी कार्ड वालों ने तो एक वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें दिखाया था उन्होंने पेमेंट करके। मुझे कुछ खास नहीं लगा ये दोस्तों, ये उतना कुछ खास नहीं लगा। आप लोग दोस्तों अगर चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना कुछ पैसा है, अगर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं पेमेंट रिंग में, तो आप लोग बिल्कुल इसे ले सकते हो, इसे बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप इसे मत ही लो यार, बहुत ज्यादा महंगा, ये ओवर प्राइस्ड है। आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करोगे, आप लोग दोस्तों क्या लगता है इस पेमेंट रिंग के बारे में, क्या आप लोगों को लेना चाहिए रिंग या नहीं लेना चाहिए? आप लोग ओपिनियन शेयर करो अपना। और दोस्तों मैंने दे दिया अपना ओपिनियन, वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।